क्या 2024 में आने वाली है एक और बड़ी महामारी? कब बनेगा अखंड भारत? कब 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे? 2024 देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है? देश और दुनिया के कई शहर जल के आगोश में समा जाएंगे। बड़ी बड़ी इमारतें लकड़ी और पत्थर बह जाएंगे। नई नई 64 प्रकार की महामारी आने वाली है, जिन पर न कोई दवा काम करेगी न कोई दुआ काम करेगी। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इन बीमारियों के सामने घुटने टेक देंगे। दोस्तों, चाइना ने बना लिया है कोरोना से 20 गुना बड़ा घातक वायरस। क्या एलियंस करने वाले हैं दुनिया पर हमला? सैटेलाइट तबाह हो जाएंगे, वैज्ञानिकी यंत्र काम करना बंद कर देंगे और शुरू हो चुका है तृतीय विश्व युद्ध का शंखनाद। दोस्तों, सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिमाग हिला देने वाली भविष्यवाणियों को। 2023 में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां बिल्कुल सत्य साबित हुई थी और अब 2024 और 2025 के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा खास बातें लिखी गई है, जो कि सभी को जानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भविष्य मालिका के अनुसार 2024 में प्राकृतिक खंड प्रलय भी होने वाली है और साथ में छोटी मोटी भी महामारी आ सकती है, जिनमें कुछ प्राकृतिक और कुछ इंसानों के द्वारा बनाई जाएगी। लेकिन आपको किसी भी संकट में घबराना नहीं है, बस प्रभु का नाम जपते रहना है। वही आपको हर संकट हर विपत्ति से बचा लेंगे, क्योंकि आपदाएं भक्तों की एक परीक्षा है और इस परीक्षा में सभी भक्तों को पास होना है। दोस्तों, भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 2024 के अंत तक नई नई बीमारियां फैलने लगेगी, जो कि देश दुनिया के लोगों को बहुत ही ज़्यादा डराने लगेगी। हालांकि 2024 से ये बीमारियां फैलना चालू हो जाएगी और धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण करती जाएगी। कुछ समय पहले चाइना में एक वायरस का पता चला है, जो कि कोरोना से 20 गुना ज़्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ये वायरस फैलता है तो लगभग 5 करोड़ लोग काल के मुँह में समा जाएंगे। कोरोना जो कि इससे 20 गुना कमजोर था, तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन बनाने में इतना ज़्यादा समय लगा था, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना से 20 गुना ज़्यादा बड़ा वायरस आ जाएगा तो दुनिया की क्या स्थिति होगी। और ऐसी लगभग 64 महामारियां आने वाली है और इनमें से कुछ महामारी ऐसी होगी जिनमें 3 मिनट के अंदर ही इंसान की मृत्यु हो जाएगी, उसे हॉस्पिटल ले जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस में थोड़ा मौका मिल जाता था, लेकिन इस महामारी में ऐसा कुछ भी मौका नहीं मिलने वाला। दोस्तों, इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत तो 2023 से हम देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले आँखों से संबंधित बीमारी आई थी, हालांकि वह बीमारी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। इसके अलावा चाइना में भी एक और रहस्यमय बीमारी आई थी जो निमोनिया की जैसी थी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियाँ 64 योगिनी हैं जो घातक बीमारियों का रूप धारण करके धरती पर आएगी। पुराने समय में यज्ञ हवन आदि किए जाते थे, जिनमें हवन सामग्री का प्रयोग होता था और बहुत सी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। जब इन जड़ी बूटियों का धुआं वायुमंडल में फैलता था, तब बहुत सारे वायरस इन जड़ी बूटियों के धुएं से मर जाते थे। दोस्तों, पहले के समय में भी महामारी फैलती थी, लेकिन वैसा प्राकृतिक तरीके से होती थी। लेकिन आजकल जो महामारी उत्पन्न हो रही है, वह इंसानों के द्वारा निर्मित की जा रही है। जैसे कि कोरोना वायरस इंसानों ने ही बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये वायरस इतने खतरनाक हो सकते हैं, तो इन्हें बनाते ही क्यों हैं? तो इसका कारण है कली राक्षस। दोस्तों, कली राक्षस ही लोगों के मन और बुद्धि को कंट्रोल करके उनसे ये सब करवाएगा। इसके बाद अभी एक महामारी आएगी जिसमें इंसान का मांस गल जाएगा, केवल हड्डियां शेष बचेगी। इसके अलावा एक और महामारी आएगी जिसमें सोते सोते ही इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी। भविष्य मालिका में ये भी बताया गया है कि घर घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब कोरोना वायरस आया था, तब देश और दुनिया में लॉकडाउन लगा था। दोस्तों, हो सकता है कि ऐसी स्थिति हमें बार बार देखने को मिले। लोगों के घर के दरवाजे बार बार बंद हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तब तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए
तो 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ और फिर इजराइल और हमास का युद्ध। इसके अलावा कई देशों में तनाव की स्थिति है। इसके बाद अगला युद्ध चीन और ताइवान का होगा, उसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण का होगा, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। इसी दौरान चाइना 12 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देंगे और शुरुआत में भारत थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन आखिर में भारत की विजय होगी। पाकिस्तान चाइना और मुस्लिम देशों के साथ मिलकर पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में जुटा है और समय की बात करें तो ये सब कुछ 2029 तक हो जाएगा। 2025 में यह युद्ध भयंकर रूप धारण करने वाला है। इसके बाद अखंड भारत का निर्माण होगा। भविष्य मालिका में ये भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में देश और दुनिया में जगह जगह सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा एक शिवलिंग मिला था। यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है, जिसके अंदर लाख भरा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। दूसरा शिवलिंग मिला है जो जनेऊ धारण किया है और मस्तक पर चंद्रमा वाला है। यह शिवलिंग नर्मदा नदी में एक नाविक को मिला था। भविष्य मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिवलिंग शिलालेखों का वर्णन मिला है। भविष्य मालिका में ये भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में न केवल जगन्नाथ धाम बल्कि जितने भी धाम है वह सब प्रलयों से विलुप्त हो जाएंगे। इनमें से जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम और रामेश्वरम धाम, ये सभी जल के वजह से विलुप्त हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम जो है वह भयंकर भूकंप के कारण जमीन में समा जाएगा। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन जमीन में समा जाएगा और वहीं थोड़ी दूर पर एक धाम उत्पन्न होगा, उसे भविष्य बद्री धाम के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, आपने देखा और सुना भी होगा कि बद्रीनाथ धाम की दीवार में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है जहां धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है जिसकी लोग पूजा करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ पतला होकर टूटने की कगार पर पहुंच गया है और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन होगा कलयुग का अंत और तब शुरू होगा चौथा धर्म युद्ध। सनातन धर्म को लेकर भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 111 देश के लोग सनातन धर्म को मानने लगेंगे और सनातन धर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे, क्योंकि युद्ध के बाद विश्व में 111 देश ही बचेंगे और बाकी देशों का नामो निशान भी मिट जाएगा। और इन 111 देशों में भी केवल 64 करोड़ लोग ही बचेंगे, जिनमें से 33 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो भारत के होंगे। ये 33 करोड़ लोग वे होंगे जो सनातनी होंगे, बाकी सब का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अलावा आप क्या जानते हो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।